राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में सोमवार को वर्षों से चली आ रही भगवान नरसिंह की रंगभरी शोभा यात्रा घंटाघर से गाजीबाजे के साथ धूमधाम से निकाला गया। गौरतलब है कि कोरोना के सेकेंड वेव के दृष्टिगत गोरक्षपीठाधीश्वर महंत व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुए। शोभा यात्रा के पूर्व भगवान नरसिंह की आरती उतारकर उनकी पूजा अर्चना की गई तथा आरएसएस का गीत गाया गया। इसके बाद भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा रंगों के साथ तथा गाजे बाजे के साथ घंटाघर से होते हुए पूरे शहर में निकाली गई तथा जगह जगह पर लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया तथा जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। इस दौरान लोगों ने जमकर रंग भरी होली खेली। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाहक संदीप कुमार ने बताया कि यह शोभा यात्रा नानाजी देशमुख ने 1940 में शुरू की थी, तब से यह शोभा यात्रा हर साल घंटा घर से निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि यह पुरानी परंपरा है जो वर्षों से चली आ रही है, जिसका निर्वहन हर साल शोभा यात्रा निकाल कर किया जा रहा है और इस वर्ष भी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। इस अवसर पर भारी संख्या में राष्ट्रीय संघ स्वयं सेवक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नगर कार्यवाहक संदीप कुमार तथा हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए हम सभी बंधु यहाँ उपस्थित है। अपने सभी सुरक्षा के लेकर कुछ व्यवस्थाएं बनी है। हम सभी संशोधक बंधु जो भी शोभा यात्रा में भाग लेंगे सबको ध्यान रखना है। अवधपुरी में फिर से मंदिर, अवधपुरी में फिर से मंदिर है। जय जय श्री राम। तन मन धन सर्वस्व समर्पित, तन मन धन सर्वस्व समर्पित। बने राम का धाम, बने राम का धाम, भव्य राम का धाम, भव्य राम का धाम। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। अवधपुरी में फिर से मंदिर, अवधपुरी में फिर से मंदिर। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। तन मन धन सर्वस्व समर्पित, तन मन धन सर्वस्व समर्पित। बने राम का धाम, बने राम का धाम, प्रकटाएंगे जीवन से प्रकटाएंगे। भेदभाव सब दूर हटा कर, भेदभाव सब दूर हटा कर, नेहामृत छलकाएंगे, नेहामृत छलकाएंगे। श्रेष्ठ मान मर्यादा अपने, श्रेष्ठ मान मर्यादा अपने, जीवन से प्रकटाएंगे, जीवन से प्रकटाएंगे। भेदभाव सब दूर हटा कर, भेदभाव सब दूर हटा कर, नेहामृत छलकाएंगे, नेहामृत छलकाएंगे। बंद करिए।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्वाधान में होली को हम कहीं गोरखपुर के बरसाने के रूप में श्रीमान संदीप जी अपने विभाग मंत्रालय का स्वागत करेंगे। नंद किशोर जी कुटुम्ब प्रबोधन जी माननीय प्रांत संघ जी का स्वागत नंद किशोर जी आगे करेंगे। इस अवसर पर हम सब लोगों को होली का शुभ संदेश दें। प्राचीन बातों को ध्यान में रख करके ही स्वर्गीय नाना देशमुख ने गोरखपुर महानगर के शिक्षकों के सहयोग से ऐसे होलिकोत्सव समिति का गठन किया और आने वाले समय में ऐसे परंपराओं को हम जीवित रखेंगे जो हमारे पूर्वजों ने हमें धरोहर के रूप में सौंपी है। इसलिए आने वाले समय में हमारे ऊपर जितने भी संकट आने वाले हैं उन सभी संकटों से हम सामना कर सकते हैं। उसके लिए कुछ अतिरिक्त नहीं करना है, बस जो धरोहर हमें जिस रूप में मिली है उस रूप में उसको मनावे करें। आप पुनः आप सभी लोगों को होलिकोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले कुछ ही दिनों बाद भारतीय नववर्ष प्रारंभ होने वाला है, इस भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं। और एक नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले भूमे सुखं वर्धितोऽहं भूमे सुखं वर्धितोऽहं महामंगले पुण्यभूमे स्वर्गे महामंगले पुण्यभूमे स्वर्गे वत्सवेतकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिंदुराष्ट्रांग भूता प्रभो शक्तिमन हिंदुराष्ट्रांग भूता इमे सारं त्वां नमामो वयम् इमे सारं त्वां नमामो वयम् उदीयाय कार्याय वत्सातटीयं वन्दे हि तत्पूर्तये Thank you.
स्थान से निकाली जा रही है और इस अवसर पर हम सभी नगरवासियों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी बंधुओं से आग्रह करते हैं कि होली का त्यौहार सद्भावना सौहार्द और प्रेम सब मिलकर मनाएं और मर्यादा का पालन करते हुए भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हो और होली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शोभा यात्रा इस समय ये शोभा यात्रा नानाजी देशमुख द्वारा गोरखपुर में प्रचलित की गई थी और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरागत तरीके से इस शोभा यात्रा को बड़े ही धूमधाम से गोरखपुर महानगर में अपने माध्यम से अपने सभी स्वजनों के बीच निकाल रहा है और मैं नगर कारवा संदीप कुमार अपने माध्यम से सभी नगरवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंह भगवान की शोभा यात्रा यहाँ पे होली के उत्सव पे निकाली जाती है कि भगवान नरसिंह का इस होली में कितना महत्व है हम सभी जानते हैं। परम पूज्य गोरखपीठाधीश्वर प्रतिवर्ष इस शोभा यात्रा में शामिल होते रहे हैं। 6 किलोमीटर की यात्रा ये धूमधाम से मनाई जाती रही गोरखपुर में और इसका इतिहास बहुत लंबा है और कोरोना कारण से पूज्य महाराज जी ने आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग ने कोविड का अनुपालन करते हुए मास्क पहन के और यहाँ इस कार्यक्रम में बहुत लंबी सहभागिता घरों से ऊपर से पुष्पवर्षा लोग करते हैं और एक सामाजिक सौहार्द का एक बड़ा उदाहरण यहाँ पेश होता है।